क्या आपको भी लगता है आपके यहाँ चोरी नहीं हो सकती? वो गार्ड रखा है, सिक्योरिटी गार्ड बहुत इफेक्टिव है, बहुत सालों से बैठा है और वो चोरी रोक लेगा। तो आपको दिखाता हूँ, लोगों को लगता है ना कि गार्ड हमारे बहुत सिक्योर्ड होते हैं, मैं दिखाता हूँ गार्ड करते क्या पूरी रात में। सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरियाज में गार्ड रात को करते क्या है। भाई किस किस के यहाँ गार्ड सो रहे हैं? गार्ड किसके सो रहे हैं? आओ आओ दिखाते हैं। ये हमारा एक मॉनिटरिंग हब है जहां से हम पूरे इंडिया के अलग अलग लोकेशंस को एक कमरे में हम लोग हैं, जहां से मैं दिखाता हूं कि कैसे हम मॉनिटरिंग करते हैं पूरे एरिया में और गार्ड्स करते क्या पूरी रात में। दिखाना अपने, जूम करना, बड़ा करो। ये देखिए, ये गार्ड है, वो दोनों में गार्ड दो दो हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? ये आपके सामने कोने में सो रहे हैं। क्या रोकेंगे चोरी? क्या रोक पाएंगे? कोई क्राइम, कोई क्रिमिनल आ जाएगा तो कुछ रोक पाएंगे? पीछे से बैटरी चोरी हो जाए, स्कूटर चोरी हो जाए, कोई मतलब नहीं इसे। और कोई सो रहा है कहीं पे? तुम्हारे किसी और लोकेशन में सो रहा है? ये सर और दिखाता हूँ। ये देखो, दो दो गार्ड मस्ती से सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं लोकेशंस का नाम नहीं बताऊंगा कहाँ पे है, लेकिन दोनों दो गार्ड रखे हैं यूनिफॉर्म वाले, प्रॉपर सो रहे हैं। और खोलो, और कहाँ है? ये लो, तीन तीन गार्ड हैं लेकिन सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं। शोरूम की सिक्योरिटी राम भरोसे। और बोलना कौन सा है? ये तो और मस्त है। तीन लोग हैं, एक के ड्यूटी लगाया, दो सो रहे हैं। अरे सोता आदमी क्या कर लेगा? थोड़ी देर पहले तो दूसरे जो बैठे हैं वो भी नहीं थे यहाँ पे। और किसके यहाँ सो रहे हैं? ये तो एक स्क्रीन दिखाई, और दिखाता हूँ। तुम्हारे यहाँ पे कोई सो रहा है? आपके यहाँ सो रहा है कोई? हाँ जी, किसके यहाँ सो रहा है? आपके यहाँ, खोलो जी। देखो कौन सा सो रहा है, बड़ा करो। ये देखो, ये शोरूम की सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखा गया है। ये बचाएंगे? 365 दिन हम लोग ध्यान रखते हैं, नजर रखते हैं, एक एक लोकेशन को लगातार देखते रहते हैं। हम रोक सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं कुछ क्या करने वाला है। ऐसी और लोकेशन, और किसके यहाँ सो रहा है? जितने मर्जी देख लो, हर स्क्रीन पे सो रहा है। देखो बड़ा करो, ये देखिए पूरा तान के सो गए। और ये अब से नहीं सो रहे, ये एक डेढ़ बजे से सो रहे हैं सबके सब। और बताओ, और कहा है तुम्हारे यहाँ? कहाँ पे? ये तो आते ही सो जाते हैं, इनको तो मैंने कभी जागते देखा ही नहीं। पिछले 2 साल से इस लोकेशन पे हम लोग हैं, यहाँ जो आता है आते ही सो जाता है, जितना मर्जी उठा लो फिर सो जाएंगे। और कहाँ है तुम्हारी स्क्रीन पे कोई? और ये देखिए सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। और बताओ जी, ये देखिए सो रहे हैं। ये सोता आदमी कैसे सिक्योरिटी देगा आपको? आपके शोरूम में लाखों करोड़ों का माल रखा है, किसके भरोसे? इनके भरोसे जो सिर्फ सो रहे हैं, क्योंकि इनको शुरू से सिखाया ही गया कि सोना है जाके। और ये लोग, ये देखो जाली लगा के प्रॉपर सो रहे हैं, जाली लगा के प्रॉपर सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आ गया है? हाँ जी, आप लो जी, ये भी सो रहे हैं। ये एक लोकेशन है, वहां सो रहे हैं। मैं लोकेशंस के नाम नहीं बताऊंगा कहाँ की लोकेशन, लेकिन ये प्रॉपर सो रहे हैं। ये सिक्योरिटी के लिए, कोई दीवार टाप के आएगा कुछ करेगा उनको मतलब ही कुछ नहीं। और आ गया जी, ये अपनी साइकिल तो चेन से बांध के जाते हैं, अपनी साइकिल चेन से बंधी हुई है, लेकिन काफी देर तक तो होती नहीं लोकेशन पे, जिस लोकेशन की ड्यूटी पे है। ये लो, ये आ रहा भाई, बहुत है, पूरे इंडिया में ये हाल है। ये देखो मंजी तान के प्रॉपर पंखा लगाया और सो गए, पूरी रात सोए। इस शोरूम की सिक्योरिटी कहां से बचाए? इसकी अपनी जान कौन बचाएगा? कुछ आएगा तो कोई इसी पे कुछ डाल देगा, नाक सुंघा दिया कुछ तो सो गया, खत्म। आ गया हो जी, और कहा है तुम्हारे यहाँ? जितने मर्जी देखो बहुत भरे पड़े हैं। तुम्हारे यहाँ? तुम्हारे यहाँ नहीं है, वो अंदर वो सो रहा है इधर। ये इसकी तो स्पेशल वीडियो दे सकता हूं मैं, इनको कुछ नहीं पता होता, पंखा चल रहा है आराम से आते सो जाओ, पीछे से कोई आए इनको मारे, इनका कुछ ले जाए, इनको कोई मतलब नहीं किसी से। हमारे गार्डों के, मैंने तो यहाँ तक देखा, गार्डों के मोबाइल तक उठा के ले जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता। हाँ जी, आपको ना बताओ सर, बड़ा करो। ये देखिए, ये हैं भाई साहब हमारे इफेक्टिव। अब ये एसी पड़े हैं, सामान पड़ा है बाहर, यहीं से कोई टाप के ले जाए कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब ही कोई नहीं है। टाइम क्या हुआ है? 2:30 बजे है सिर्फ, कोई बहुत पूरी रात नहीं हुई। ये देखो, ये दो टाइम देखिए, रात के 2:32 हुआ है। ये ओहो, ये कौन है? ये गार्ड को चेक करने आते हैं डेली। अच्छा, ये गार्ड की चेकिंग वाले आते हैं। ये क्या है? गार्ड सो रहा है, गार्ड सो रहा है, ये चेकिंग वाले आए बात करने चले जाएंगे, बस खत्म बात। ये भाई साहब सो रहे हैं, पता भी नहीं कोई आया। अच्छा, गार्ड को पता? अच्छा, इन्हीं के बंदे हैं, इन्हीं के बंदे हैं, इन्हीं की वीडियो बना रहे हैं कि हमारा बंदा सो रहा है। ये देखिए, ये भाई चांस लाइट जला के उन्हीं का बंदा, उन्हीं के बंदे की वीडियो बना रहा है कि हमारा खुद का आदमी सो रहा है, लेकिन सिर्फ चेक ही तो कर रहा है। अगर ये चोर होता है तो क्या कर लेते? अगर ये चोर होता तो क्या? ऑडियो निकाल, रिकॉर्डिंग कर, नहीं एक मिनट कर, अभी रुकिए, ये ऑन करना, खोलना, एक मिनट होल्ड कीजिए, अभी दिखाता हूँ आपको। अब मैं इनसे बात करता हूँ। हाँ
माइक क्यों नहीं आ रहा? देखो आपके बंदे ही सो रहे हैं, अगर आप खुद ना होते और ये चोर होता है तो क्या करता? हम यहाँ से देख रहे हैं, मतलब अपने खुद के बंदे को नोटिस नहीं कर पाए, क्या चोरी रोकेगा? हाँ जी सर, तन्नी बाहर सामान पड़ा है, सब पड़ा है, अपना तुम सो रहे हो, तुम्हारे खुद के इंचार्ज आए, तुम्हारी वीडियो बनाई, सब कुछ किया, तुम्हें कुछ नहीं पता? बस यही ड्यूटी है तुम्हारी, तुम्हारा इंचार्ज देखो आया तो है, तुम्हारी वीडियो भी बनाई उसने, सब कुछ हुआ, तुम्हें पता चला अगर ये चोर होता सामान ले जाता तो क्या करते? स्पीकर होंगे बेटा, बहुत देर से देख रहे तेरे को, बहुत देर से देख रहे, तो सो रहा है। ठीक है जी, ऐसी बहुत है, कितनी दिखाऊं, पूरे इंडिया का यही हाल है, क्योंकि हम ये पुरानी टेंडेंसी चली ना, गार्ड का मतलब क्या, दिन भर काम करो, जाके शोरूम पे सो जाओ, और आप कहते हैं गार्ड के भरोसे सो रहे हैं। हम सोते नहीं है, पूरी टीम पूरी मुस्तैदी से बैठती है, पूरी जिम्मेवारी से बैठती है, और आज तक विद वीडियो प्रूफ, आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 116 चोरियां रुक चुके हैं और कभी फेल नहीं हुए, क्योंकि हम लोग पूरे ध्यान से ध्यान रखते हैं हर चीज़ का, जितना हो सकता है अपनी पूरी जान लगाते हैं चोरी रोकने के लिए, क्राइम रोकने के लिए, जो रोक सकते हैं रोकें, ये हमारा काम है, इसीलिए सुरक्षा सिक्योरिटी सिस्टम को भी फेल नहीं हुआ और दुनिया पसंद करती है। हमारा सपना है, हमारी कोशिश है पूरे इंडिया को क्राइम फ्री करना, और हम करेंगे जितना हो सकता है, अपना कोशिश करेंगे कि क्राइम हो ही ना, लोग सेफ फील कर सके। थैंक यू सो मच।